हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज 23 नवंबर के ऑल शिफ्ट का सारा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी ऑल शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हुए हैं और मैंने फर्स्ट शिफ्ट का तो दे ही दिया है, आपने अगर नहीं देखा तो देख सकते हो आप चैनल में जाके, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। देखिए, अगर पूछा गया है फिल्म के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मूवी हैं, जो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जो हाल ही में हुए हैं, ठीक है ना, जो भी नए नई मूवी निकल रहे हैं, जैसे हिंदी मीडियम हुई, ठीक है ना, हिंदी मीडियम हुई, और भी जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जैसे बहुत सारे मूवी चर्चित में रहते हैं, वैसे मूवी आपको याद रखने हैं। और उसके जो जो डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, उनका एक नाम याद रखना है, और जो जो मुख्य किरदार में के रूप में है मूवी में, उनका नाम याद रखना, ठीक है, जो नए नए मूवी आ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, मतलब कहाँ थी, ऐसे क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी लागू कब हुआ था। जीएसटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जीएसटी लागू कब हुआ था, किस अंचल में लागू हुआ था, किस राज्य में लागू हुआ था, ठीक है ना, और उसके लागू का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये सब सारे सारे क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर लगते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है इसका, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन होता है, ये वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है ना। तपेदिक रोग, रोग रोग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो रोग के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो फटाफट देख लीजिए आप, बैक्टीरिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो रोग से जितने भी रोग होते हैं, चाहे मलेरिया रोग हो गया, या बहुत सारे मारात्मक रोग, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं, उसको आप देख लीजिए, उसके जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, और वो आएंगे इसको इतना तो सभी को पता होगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे, आरपीएफ का मैंने वीडियो डाल दिया कि उसका सीबीटी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो उसको आप चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। गोरा उपन्यास के लेखक कौन, तो गोरा उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा, करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है ना। कैलोरी किसकी यूनिट है, ऊष्मा हो जाएगी करेक्ट आंसर, तो कैलोरी यू आंसर हो जाएगी। यूनिट किसकी है, यूनिट इकाई क्या है, ये इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स, इकाई क्या है, हो जाएगी आपकी ऊष्मा। विश्व रक्तदाता दिवस का बना, दिवस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो दिवस का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इस विश्व रक्तदाता दिवस का मनाया, तो ये हो जाएगा आपका 14 जून, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक हो लिख गया है, तो ये सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक है तो रसिया, रसिया, ठीक है, याद रहे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आज के जितने भी डिफरेंट जोन से क्वेश्चन मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन एग्जाम में ऐसे आया था, ठीक है ना। असम राज्य की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है हिमा दास, जिन्होंने हाल ही में 19वीं, मतलब 18 साल या 19 साल की उम्र में ही इन्होंने गोल्ड पदक, रजत पदक भारत को दिलाया है, तो ये कहाँ की रहने वाली, नौगांव असम की रहने वाली, ठीक है ना, ये जवाब करेक्ट आंसर, ये पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनमें से किस यंत्र की सहायता से ये नक्षत्रों का अध्ययन किया, तो टेलीस्कोप, आपको पता होगा टेलीस्कोप में हम लोग देख सकते हैं नक्षत्रों को, जितने भी अध्ययन होते हैं टेलीस्कोप के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना। बच्चों द्वारा कुछ बच्चों ने बोला है कि आज तो नेशनल हॉलीडे है, उसके कारण मतलब एग्जाम नहीं हुई है, तो कुछ कुछ राज्यों में हुई है, अब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मिले हैं, आप पता नहीं कितना है सच है कितना झूठ, जो क्वेश्चन भेजा है उन्होंने बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम जितने भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। पेंसिलिन किसकी उत्पन्न की किससे उत्पन्न होती है, तो पेंसिलिन सबको पता होगा, पेंसिलिन किसी तो फफूंदी से उत्पन्न होती है पेंसिलिन, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिलिन का फफूंदी से उत्पन्न होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, देखिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा, रामकृष्ण, यहाँ पे आप कुछ गलती बच्चे गलती करके आता है कि राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा, करेक्ट आंसर, लेकिन ये नहीं होता आपका, राजा राममोहन रॉय वो दूसरे चीज की स्थापना की थी उन्होंने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ये ग्राहम बेल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्राहम बेल, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये जो चलाई गई है कौन सी परियोजना, जो योजना चलाई गई है कौन सी नदी पर, सिंपल से आंसर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, दामोदर घाटी की जो परियोजना चलाई गई, देखिए दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर चलाई गई, दामोदर नदी पर चलाई गई है, सिंपल से आंसर, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देख लीजिए, करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक ये पहले भी रिपीट किया जा चुका है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, और ये क्वेश्चन बनाया क्या है, जो जो मिले हैं, ठीक है ना, जो जो मिले हैं और ये क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो आपको देखते रहेगा, जो पहले के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो आप देखते रहिए। अफगानिस्तान के वर्तमान मुख्य राष्ट्रपति पूछा है, मैंने बोला है कि जितने पड़ोसी देश हैं और जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके राष्ट्रपति का नाम याद रखिए। एक प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था तो राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम बार बार आता है तो उसको आप चेक करते रहिए, उसका राष्ट्रपति का नाम याद करते रहिए, ठीक है ना। तो अशरफ गनी हो जाएंगे अब करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नवगठित तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो नवगठित जो नया से गठित हुआ है तेलंगाना राज्य, आपको पता होगा कि तेलंगाना और तमिलनाडु की एक ही राजधानी होती है हैदराबाद, ठीक है ना। राजधानी हो जाएगी आपकी तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी आपकी हैदराबाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिलोलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सिलोलिज्म तीनों शिफ्ट में देखिए मिला के 6 से 7 प्रश्न पूछे गए, तो आपको सिलोलिज्म को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो ये आगे भी बनेंगे, ठीक है ना। एवरेज से 5 प्रश्न बने हैं तो एवरेज को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये ऑल शिफ्ट में बने हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। समय और धुरी से भी 6 प्रश्न, देखिए 6 प्रश्न बनाए गए हैं तो समय धुरी को भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। आवर्त सारणी देखिए, जो नोट मैंने क्यों लिखा नोट, यहाँ पे आपको पता है कि मैंने नोट लिखा क्यों लिखा नोट, यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी कथन निष्कर्ष एनालॉजी सीरीज एलसीएम एचसीएफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री और असंगत संख्या है लुप्त संख्या है। अब बोलता हूँ कि आवर्त सारणी होती क्या, आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी मैंने जिसमें ड्यूलेंट जितने भी साइंस से पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल जिन बच्चों को आवर्त सारणी की मतलब नहीं समझता, समझ में नहीं आता वो देख लीजिए, पीरियडिक टेबल होता है उसका करेक्ट इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। आवर्त सारणी कथन निष्कर्ष मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन, इंग्लिश में बोलता हूँ मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो इसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना, आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। एनालॉजी से भी क्वेश्चन बने, एनालॉजी एनालॉजी आपको देख लेना है, एनालॉजी से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सिंपल सा सीरीज देखिए उसका एपीजीपी निकाल लीजिए, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारे सीरीज ऐसे सिंपल सीरीज भी पूछते हैं, ठीक है ना। एलसीएम से भी क्वेश्चन बन रहा है तो एलसीएम से भी फॉर्मूला देख लीजिए आप फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जितने फॉर्मूला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट सेक कॉसेक जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सारा वो फॉर्मूला लगा दीजिए, और ज्योमेट्री के जितने भी स्टेटमेंट जितने भी है ना ज्योमेट्री के ट्रायंगल रेक्टेंगल, ट्रायंगल हो गया रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, सर्कल हो गया, और जितने भी क्वाड्रेटिक हो गए इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री के, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाता है, तो उसको आप देखते रहिए। असंगत संख्या जो ऑड वन आउट बोलते हैं, जैसे कि ये केला है, ये सेब है, ये केला है, सेब है, नारियल है, तो इसमें बोल देगा कि यहाँ पे करेला है, करेला है, तो ये क्या, ये इसमें से करेला जो है ये ऑड वन आउट, तो ये देख कर कह सकते, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है असंगत संख्या में ऑड वन आउट। लुप्त संख्या क्या है, तो लुप्त संख्या में पहले तो बोल रहा हूँ 1, 2, 1, 3, 5, 7 नेक्स्ट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है, चाहे नेक्स्ट हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनाता है असंगत संख्या। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा जो नए विजिटर हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।